टीएमयू स्टेडियम में मुरादाबाद के युवा एक्सपोर्टर्स की पत्नियों द्वारा बनाई गई वुमेन्स क्रिकेट टीमों द्वारा एक क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच का उद्घाटन ऋचा जैन जी द्वारा किया गया। ये मैच दो टीम पिंक वॉरियर और डेयर डेविल के बीच खेला गया। और ये वाइड बॉल होगी, एक और कभी तो शॉट है, फील्ड होता है, देखते हैं। और ये चार रन मैन के पास से डेयर डेविल ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पिंक वॉरियर ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर में 56 रन बनाए। ये आज मैच खेला जा रहा है, इस मैच का आइडिया आपको कहां से आया? इस मैच का आइडिया इस तरीके से आया कि हमारे मन में बचपन से था कि हम क्रिकेट खेलेंगे, पर हमें आज तक मौका नहीं मिल पाया क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर ऐसा किया जाता है कि घर में बैठो, भाई जा रहा है मैच खेलने। बट हाँ, आज हम सब शादीशुदा है यहाँ पर, बट सबके हस्बैंड्स ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है। बच्चों ने भी कहा है मम्मी ट्रॉफी जीत के आनी है। और मिस्टर मनीष जैन जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के ओनर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें हिम्मत दी कि आइए आप हमारी यूनिवर्सिटी में खेलने की कोशिश की। जैसा हमने देखा है कि आपकी टीम ने, आपने पहले टॉस जीता और उसके बाद आपने बॉलिंग फर्स्ट चूज की है, उसकी कोई खास वजह? उसकी वजह ये थी कि हमें एक तो टारगेट पता चल जाए, उस हिसाब से हम अपनी बैटिंग लाइनअप लेंगे। और हमारे बॉलर्स काफ़ी अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए हमने बॉलिंग का फैसला लिया। आपकी टीम इतना अच्छा खेल रही है, उस टीम में जो ये जीत के लिए टीम यहाँ पर मौजूद है, उसमें बेस्ट प्लेयर्स कौन कौन है? मेरी टीम के बेस्ट प्लेयर्स हैं गुंजन सानी, अनुभूति चावला, प्राकृति पुगला, आकांक्षा सचदेवा, गीतिका, शिल्पी। मैं सभी का नाम लेना चाहूँगी क्योंकि सभी अच्छे प्लेयर्स हैं, मेरा सपोर्ट दिया है सबने अच्छे से। और आपकी टीम की जीत की कोई खास तैयारी? जीत की खास तैयारी बस ये है, सामने वाले को पटकना है, रन मारने हैं, बैट से रन पड़ने चाहिए, चौके छक्के, बस यही है करना चाहिए। और मैच बहुत ही रोमांचक था, सभी महिला खिलाड़ी जोश और जीत के जज्बे से मैच में जमे रहे। हमारे साथ हैं पिंक वॉरियर से कैप्टन प्रिया मल्होत्रा जी, आपको ये मैच खेलने का आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया एक्चुअली हम आपसे सच बताएं तो जो डेयर डेविल्स की कैप्टन है रूपाली, इट वाज हर आइडिया एंड शी टुक द इनिशिएटिव। हमने सबने कोऑर्डिनेट करके एंड समहाउ वी वर एबल टू गैदर द गर्ल्स, हमने जो टीम इकट्ठी करी है सब बहुत एक्साइटेड थे, सो इट वाज पॉसिबल। एंड प्लस टीएमयू ने हमें बहुत सपोर्ट किया है प्रोवाइडिंग एवरीथिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। हमें ये मैच खेल के बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल दो हम सब वी आर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पर हमें ऐसा लग नहीं रहा है। जो एक्साइटमेंट है हमारे प्लेयर्स में, जो मोटिवेशन है जीतने का, वो बहुत अच्छा है। ये ग्राउंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ग्राउंड बहुत अच्छा है, यहाँ पे टीएमयू ने हमें सारी फैसिलिटीज सब कुछ प्रोवाइड किया है, सो टीएमयू का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें। और ग्राउंड तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि आपकी टीम की फील्डिंग सामने वाली टीम की फील्डिंग से थोड़ी अच्छी हो रही है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? उसका श्रेय मैं पूरी टीम को दूंगी क्योंकि क्या है कि हमने, हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हमें फील्डिंग अच्छी करनी है क्योंकि हमारे स्कोर अच्छा था पर इतना अच्छा नहीं था। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि उनकी बैटिंग अच्छी है, तो हमें अगर हमारी फील्डिंग स्ट्रांग होगी तभी हम जीत पाएंगे। और ये काफी शॉट है, देखते हैं, और बहुत ही सुंदर पिच। हमारे साथ डेयर डेविल की विकेट कीपर गीतिका जी हैं। ये मैच जो चल रहा है इसको खेलने का आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर एक्चुअली इन आर ट्रू स्पिरिट्स, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट वी आर लविंग इट एंड वी आर होपिंग कि हम आगे भी खेलते रहें अपनी डेयर डेविल टीम की तरफ से। अपनी टीम के सपोर्ट के लिए आपने क्या क्या तैयारी की है? हमने बहुत प्रैक्टिस करी है एंड आई होप वी आर कम ट्रू टू इट, लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, वी विन। 56 रन का पीछा करते हुए डेयर डेविल ने मैच को 90 ओवर में ही जीत लिया। मैच डेयर डेविल की टीम ने जीत लिया है और यहां पर हमारे साथ डेयर डेविल की कैप्टन रूपाली जी हैं। इस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है ये मैच जीत के? ये मैच बहुत ही रोचक मैच हो चुका था जिसमें हमारी बाउंड्री नहीं पड़ी थी, पर हमने भी हार नहीं मानी, हमने सोचा एक एक रन लेके मैच जीता जाए। और हमारी मैच के सबसे ज्यादा हकदार है नहीं उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, अच्छी
फील्डिंग के बाद में एक्स्ट्रा रन जितने आपको आया है, क्या जीतने का श्रेय आप वो एक्स्ट्रा रन को देना चाहेंगे? एक्स्ट्रा रन को बिल्कुल देना चाहेंगे और हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छी आप देख ही रहे हैं जोश इस समय मेरी टीम का, ये लाइफ में पहली बार हमने खेला है और जीता है। रूपाली की गालियां भी सुनी जब हम रोज प्रैक्टिस में नहीं जाते, हमें बहुत बुरा बुरा लगता है, फिर भी हम जीत गए। लेकिन ये पूरी टीम को एक साथ लेकर चली। आपका इस मैच में आपकी टीम का जो डेडिकेशन था कि क्रीज पर जमे रहे और रन बनते रहे, आपका बेस्ट प्लेयर कौन रहा? मेरा बेस्ट प्लेयर रहा प्रकृति और गुंजन। वेरी गुड। मैं बहुत बहुत मनीष जैन जो कि आगे चेयरमैन है और ऋचा जैन को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू। इस तरह के मैच और आगे भी आप इस तरीके के मैच बिल्कुल हम खेलना चाहेंगे। अब ये आगे बढ़ेगा बहुत, ये लीग आगे जाएगी जोश के साथ। हाउ द जोश। इस मैच के दौरान प्रिया अग्रवाल जी भी वहाँ पहुँची और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। Congratulations to the winner team, Dare Devils, और इसका इनिशिएट रूपाली दीदी ने लिया। बहुत अच्छा इनिशिएट है, पहली बार TMU ग्राउंड पर विमेंस मैच हुआ है और हम सबको काफ़ी अच्छा लग रहा है इन सबको देखकर। इन्होंने इतना अच्छा खेला है और बहुत जील और एंथुसियाज्म के साथ खेला सब ने। इवन डियर पिंक वॉरियर्स ने भी बहुत अच्छा खेला, इनकी फील्डिंग बहुत स्ट्रांग है। आज के TMU ग्राउंड में आयोजित इस मैच के सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, मनीष जैन जी एंड ऋचा जैन जी ने, जिनकी वजह से एक लड़कियों का इनिशिएटिव यहाँ पूरा हो पाया। दोनों टीम के कैप्टन्स रूपाली अग्रवाल और गुंजन प्रिया, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। जिस तरीके से आज शहर की सारी बेटियाँ आज इस ग्राउंड में खेले हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव सारी बहुओं ने लिया है। और जो आज विनर टीम है डेयर डेविल्स, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ कि वो ऐसे ही आगे इसी उत्साह से आगे बढ़कर खेले। और मैं यहाँ दोनों टीम से भी कहूँगी ऐसे मैच होते रहने चाहिए, ये एक उत्साह मिलता है सारे लड़कियों को महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। आपको ये मैच खेल के कैसा लगा? ये मैच खेल के तो इतना अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है या तो बचपन में ऐसे होने चाहिए थे ताकि हम आगे पहुंच जाते, पर ऐसा नहीं हो पाया हमारे बचपन में, तो हमने सोचा आप बहुएं बनके हम ये मैच खेलेंगे। और मेरा सपोर्ट प्रिया मल्होत्रा ने बहुत दिया है, सारी टीम ने दिया है, एक बार फ़ोन करने से सारी लड़कियाँ रेडी हो गई मैच खेलने के लिए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था। आज का बहुत रोमांचक मैच हुआ है, इस मैच का आइडिया आपको कहाँ से आया? इस मैच का आइडिया जो डेयर डेविल्स की कैप्टन है रूपाली, इनका था, इन्होंने मुझे कॉल किया एंड हमें सपोर्ट मिला है सब लड़कियों से जिन्होंने रेडी हो गए जो मैच के लिए, जैसे ही हमने फोन किया तो सारा आइडिया तो इनको जाता है, सारा श्रेय इनको जाता है। ये मैच ऑर्गेनाइज करने का मैच आगे भी खेलते रहना चाहेंगे हम, जरूर ये मैच आगे भी खेलना चाहेंगे, क्योंकि इस मैच के बाद हमें लगा है कि हमने बहुत एक तो इंजॉय किया है और जो हमें सपोर्ट मिला अपनी टीम से वो आश्चर्यजनक था, तो हम ये मैच आगे भी जरूर खेलेंगे। जीतने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।